सूबेदार में गंदगी का है आलम। जी हाँ, पानी की निकासी नहीं होने से बारिश का पानी वहां जमा हुआ है। राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने दिया अधिकारियों को समस्या का ज्ञापन। आपको बता दें कि दक्षिण नागपुर के जुरा सूबेदारी परिसर में चैम्बर की सफाई नहीं की जाने से और सड़क पर गड्ढे फंस जाने से बारिश का पानी बड़े पैमाने पर उन गड्ढों में जमा हो रहा है, जिससे परिसर के नागरिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पेश है जूना सूबेदार परिसर से हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी खास रिपोर्ट। जूना सूबेदार लेआउट में बरसात का पानी जमा होने के कारण मनपा अधिकारियों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल के अध्यक्ष अरविंद भाजीपाले इनके नेतृत्व में निवेदन दिया गया। पिछले 4-5 सालों से जूना प्रभाग क्रमांक 32 व नया प्रभाग क्रमांक 46 जूना सूबेदार विस्तार आदर्श मंगल कार्यालय के पास के परिसर में 2 साल पहले सीमेंट रोड से डांबर रोड के बीच में 1 फुट का गड्ढा होने के कारण लोगों के घरों के सामने तालाब जैसा पानी भरा रहता है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए स्थानिक नगर सेवक व संबंधित अधिकारी को सूचना एवं निवेदन देने में आया, परंतु पूर्व नगर सेवक और संबंधित अधिकारियों ने ध्यान दिया ही नहीं। इसका आम नागरिकों को बरसात के दिनों में बड़ी समस्या होती है और बाहर निकलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। प्रभाग क्रमांक 46 में भाजपा के नगर सेवक होते हुए भी अनेक विकास कार्य को दखलअंदाज किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल की ओर से वरिष्ठ अभियंता सिंह साहब हनुमान नगर जोन इनको निवेदन दिया गया। अतः 7 दिन के अंदर समस्या के निराकरण न हुआ तो तीव्र आंदोलन करने की सूचना ओबीसी सेल के अध्यक्ष अरविंद जी भाजीपाले इन्होंने दी है। दर्शकों, इस समय में बीसीएम की टीम जूना सूबेदार में, हम आपको बता दें कि जूना सूबेदार में कई समस्याओं का अंबार लगा है और मुख्य यहाँ की जो समस्या है कि बारिश का पानी का सही काम निकासी नहीं होने से यहाँ पे पानी जो है बड़े पैमाने पे जमा हो रहा है, जिसके चलते मच्छर है, मलेरिया है, जैसे कई भी ऐसे संक्रमित बीमारियों का फैला होना लाजमी है और यही हो रहा है, जिससे नागरिक काफ़ी परेशान है। OCW वालों ने काम के नाम पर यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे करके रखा है। नल की पाइपलाइन तो बिछाने का काम किस कदर हो गया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो गड्ढे जो है बड़े पैमाने पे हुए हैं, जहाँ से रोज़ाना आने जाने वाले जो वाहन हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बार बार यहाँ के पार्षदों को ये बात बताई गई, बावजूद उसके उन्होंने किसी भी प्रकार का ध्यान यहाँ नहीं दिया, जिसके चलते आज जूना सूबेदार के नागरिकों में मनपा प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। क्या इस ओर मनपा प्रशासन ध्यान देगा और जल्द से जल्द यहाँ की समस्या छुड़ाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर एक बात तो तय है कि आए दिन जिस प्रकार से कई वार्डों में, कई प्रभागों में जो समस्याओं का अंबार लगा है, उसके और किसी का ध्यान नहीं है, ना प्रशासन का है, ना किसी पदाधिकारियों का है, ना यहाँ के विधायक का है, ना यहाँ के पार्षदों का है। मात्र सुंदर नागपुर शहर, नागपुर की बातें करने वाले ये तमाम लोग अपने गिरेबान में झांके और देखे क्या सही मायने में इन प्रभागों का, इन वार्डों का विकास हुआ है या नहीं। अगर जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो बड़ा आंदोलन करने की बात भी उन्होंने बीसीएन समक्ष कही है। जूना सूबेदार से संजय मिरे, बीसीएन न्यूज नागपुर। सर, क्या समस्या है यहाँ की, कहाँ? मैं पृथ्वीराज देहनकर बोल रहा हूँ। यहाँ की समस्या है कि यहाँ तालाब जैसा पानी संग्रहित होता है और उसमें सब नागरिकों को असुविधा प्राप्त होती है। यहाँ से जाना आने, वाहन, मोटरसाइकिल, साइकिल, सबको जाने आने में तकलीफ होती है। इसलिए हमको यह संबंधित व्यक्तियों से यह कहना जरूरी है कि यह समस्या हमारी दूर करें। हमारा बापी का को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी समस्या दूर होना यही हमारा प्रॉब्लम है। कौन सा परिसर है ये? जूना सूबेदार एक्सटेंशन, आदर्श मंगल कार्यालय के पास का एरिया। किस प्रकार की समस्या यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे आप? आमच्या घरासमोर खूप सारे पाणी जमा होते, जाण्यायेण्याला तकलीफ होते। आम्ही म्हातारे माणसं, आमचा पाय घसरला, आमचा ॲक्सिडेंट झाला तर कोण जबाबदार आला? त्यामुळे आम्ही हे आपलं आवेदन निमंत्रण देत आहे त्यांना की येऊन आमच्या घरासमोरचा रोड पूर्णपणे दुरुस्त करून द्यावा आणि आमच्या घरासमोर पाणी जमा न होऊ दे, हे त्यांची कर्तव्य आहे। सर, ये पता है कि किस बात को लेकर आज यहाँ जूना सूबेदार के नागरिक आज जोनल ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ की?
की समस्या ये है कि तीन चार साल से हमारे प्रभाग 32 पुराना और प्रभाग नया 47 में वो समस्या है कि पूरा तालाब समान पानी भर जाता है। घर के बाहर निकलो तो पूरे जूते गीले हो जाते हैं, पूरे तुम्हारे पूरे क्या बोलते हैं उसमें जो वाहन जाते हैं पूरी पानी आजू बाजू से पूरा ये हो जाता है। और हमारे को इतनी तकलीफ है तीन चार साल से। हमने कई नगर सेवक हो गए हमारे यहाँ से, प्रभाग चार का था, सबको हमने निवेदन दिया लेकिन कोई नगर सेवक ने काम अभी तक नहीं किया। अभी हमारे मुँह में और नाक में पानी भर गया है कि हमको ये अधिकारी को दे के ये हमको ये करना जरूरी है और ये रोड का पूरा काम करना जरूरी है। इसलिए हम प्रशासन को पूर्ण ये देने जा रहे हैं।